दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या। अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या। अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या। अभी तक रोज देर कर देती है, हद होती है किसी बात की। अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? देखो ना इसको, इतनी कैसे जिम्मेदार है ये। अभी आ जाएगा वैन वाला, जोर जोर से हॉर्न बजाएगा, सारे मोहल्ले वालों को परेशान करेगा। अच्छा आपके इस मसले का हल है मेरे पास। आप एक काम करें, आप ऊपर जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, इसको मैं उठा देती हूँ, आप गुस्सा मत करें। इसे उठाओ भी और इसे समझाओ भी। जी हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। रमशा की बच्ची, रमशा उठ जाओ, अम्मी से तुम्हें बहुत बुरी डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें आज नहीं बचाने वाली। कभी नहीं सुधरती तुम, मैं अम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उठ जाओ जल्दी से। क्या है भाई, पता है रोज कॉलेज जाना होता है, रोज वैन वाला आता है, रोज उठना होता है। वैसे भी दिवस तो एंड में जाती है ना, तो थोड़ी देर वेट कर। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। ये रहा आपका नाश्ता। अरे चाय का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट भी इतना ही अच्छा होना चाहिए ना, तब मजा आएगा। अच्छा मैं रमशा को जाकर देखती हूँ तैयार हुई है कि नहीं। आपको पता है ना, हमेशा लेट हो जाती है। अच्छा और मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होती हूँ। जाओ बेटा, हद होती है वैसे रमशा की भी, पता नहीं कब घर की जिम्मेदारियाँ उठाएगी। सुने? हाँ हाँ। उठ जाएं आप, चाय ठंडी हो रही है। चीनी ठीक है? बस ठीक ही है। कपड़े इस्त्री कर दिए तुम? जी जी कर दिए। आप शावर ले ले, मैं नाश्ता लगा देती हूँ।
जरा जल्दी करना, ऑफिस से पहले तुम्हारी अम्मा की दुकानों के वो मसले भी निपटाने हैं। आए दिन कोई ना कोई नई चिक लगी रहती है। वैसे क्या हमारी जिंदगी के मसाइल कम है तो दूसरों के परेशानियों को भी हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। अब मैं मना करूंगा तो पूरा बनूंगा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। लड़की टाइम से कॉलेज नहीं गई। रमशा जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। फोन बजा है, फोन बजा है, कहाँ है फोन? अच्छा लग रहा है मैं आज भी लेट हो जाऊंगी। जूते तो पहन लो। ठीक है ऐसे जाते हुए पहन लो। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, एक हॉर्न के बाद इतने हॉर्न बजाने शुरू हो जाते हैं कि आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाएं आप। रमशा ये क्या रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है तुमने? बताओ मुझे, मेरा गला बैठ जाता है तुम्हें रोज उठा उठा के। और ये वैन वाला इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है, लेकिन तुम इतनी ढीठ हड्डी हो कि तुम्हारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपकी बात का ना बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, वापस आके दूंगी। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, तसल्ली से वापस आ जाओ, करती हूँ मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो। वाज़ा भी खोल के चली गई। अपना खून चला रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उस पर कोई असर नहीं होगा। आ जाए शाम में, ऐसी खिंचाई करूंगी ना उसकी मैं कि देर तक असर रहेगा। क्या हो, क्या गया आपको? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं उस पर? और वैसे भी इस उम्र में सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, लेकिन आप ना उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करती हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी, 2-2.5 साल ही बड़ी हो उससे। यूनिवर्सिटी भी जा रही हो, नौकरी भी कर रही हो, सुबह का नाश्ता भी बनाती हो, और फिर ऑफिस से आके रात का खाना भी देखती हो, और ये मोटी मोटी किताबों में अपना सर भी खपाती हो। वो लड़की तो हिलके काम तक नहीं करती। अम्मी मैं नौकरी नहीं करती, इंटर्नशिप करती हूँ, और वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल काम होता है कॉलेज की पढ़ाई करना। जैसे हम तो इंसान ही नहीं है ना, सिर्फ वो इंसान है, बल्कि इंसान भी नहीं है, वो अशरफुल मखलूकात है। अरे नहीं, ये तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, क्योंकि अशरफुल मखलूकात का एजाज तो किसी और को हासिल है। मैं समझी नहीं। मैं सकलैन भाई की बात कर रही हूँ। अरे वो तो फरिश्ता है बेटा, फरिश्ता। हमें खुदा के वास्ते इंसान को इंसान ही रहने दें, उनका शुमार फरिश्तों में ना करें, वरना कल को खुद को ही मायूसी होगी। पता है कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ा के ना गलती कर दी, अपनी माँ का ही मजाक उड़ा रही है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला कभी आपका मजाक उड़ा सकती हूँ? कभी भी नहीं। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। यानी कैब आई है कि नहीं? हाँ कैब आ गई है। ओके मैं
खुदाफिज। अच्छा सुने अम्मी, अगर शाम को आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए तो प्लीज परेशान मत होइएगा, ठीक है? खुदाफिज। लाफिज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही हो? हाँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, आप क्यों जहमत करते हैं, मेरी कैब आ गई है। वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। अरे सकलैन बेटा। सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? बस अभी अभी। अच्छा आओ, अंदर आओ, बैठो, आ जाओ। हाला बस वो दुकान वाला मामला निपटाने जा रहा था, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो, किराया रोक के बैठा हुआ। मुझे लगता है कि अब मामला टेढ़ी उंगली से सीधा करना पड़ेगा। बेटा ज्यादा झगड़ा मोल नहीं लेना उससे, इतने ज्यादा पैसों की हमें जरूरत नहीं है, किराया जितना दे रहा है ना बस ठीक है। खाला बात पैसों की नहीं है, बात असूल की। और वैसे भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर 3 साल बाद किराया बढ़ेगा। खैर आप उसकी फिक्र मत करें, वो मेरा साथ होता है। जीते रहो बेटा, तुम होते हो ना तो मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती किसी भी बात की, सब कुछ तुमने इतनी अच्छे तरीके से संभाल रखा है। ये सारे काम माही के अब्बा किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी बहुत फिक्र तो आपको भी करनी चाहिए खाला, इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं होती। क्या मतलब बेटा? अभी बाहर मैंने रमशा को देखा, वैन में बैठी कहके लगा रही थी। थोड़ा समझाएं आप उसको, अच्छे घर की लड़कियों के ये अंदाज नहीं होते। और वैन में अंदर की तरफ होके बैठा, कल कला को उल्टी सीधी बात हो गई तो सर तो मेरा झुकेगा, यहाँ पे सब लोग मुझे जानते। अच्छा बेटा तुम गुस्सा नहीं करो, वो आती है ना तो मैं समझाऊंगी उसे। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर से नाश्ता करते बस अभी ऑफिस ही जाना मिला। ग्रोसरी मैं आपको शाम में दे जाऊंगा, वैसे कोई जल्दी तो नहीं है ना, मैनेज कर लेंगे आप। तुम टेंशन मत लो, घर में सब कुछ मौजूद है, जब तुम्हें वक्त मिले तब दे जाना। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। चल जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतने सारे लोग हों, ये इंटरव्यू के लिए आए, इसका मतलब है कि जुल्फी सर बहुत बिजी हैं, आप मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना था। खैर बाद में कर लूँगी। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। जी आप खलील साहब की बेटी हैं ना? लेकिन आप कौन हैं? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी हम आपके घर में किराएदार हैं। अच्छा, दरअसल मुझे पता ही नहीं है कि हमारे घर में रहता कौन है, ये सारे मामलात मेरे बहनोई डील करते हैं इसलिए। जी आपके अब्बा बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे, उन्होंने हमें कभी तंग ही नहीं किया। अब कौन तंग कर रहा है आपको? आपके अब्बा और मेरे अब्बा दोस्त थे, वो जानते थे हमारे हालात, इसलिए उन्होंने किराया कम और फिक्स किया हुआ था, वो भी इसलिए कि मेरे अब्बा की अन्ना को ठेस ना पहुँचे, वरना तो वो दोस्ती में घर ऐसे भी दे रहे थे। आप लोग हर साल किराया बढ़ा रहे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब्बा की नौकरी छूट गई और वो बीमार भी है। मैं सोच ही रही थी आप लोगों से आके बात करूं, हम इस वक्त बहुत परेशानी में, फिर मज़ीद बोझ मत डालें प्लीज़। इत्तेफाक की बात है मैंने आपको पहचान लिया, आपकी तस्वीर छपी थी ना अखबार में, आपने पोजीशन ली थी। आप परेशान मत हो, अब कोई बोझ नहीं डालेगा आप पर। ठीक है, मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, आपके लिए दुआ कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जल्दी तैयार हो गए? शादी तो रात की है, तुम अभी से चले जाओगे क्या? शादी में कौन जा रहा है, मैं तो अपने काम से जा रहूंगा। तुमने तो कहा था कि फवाद की शादी में जाने का इरादा है ना, इसीलिए तुम सकलैन के घर नहीं जाना चाहते। वादा नहीं किया था, सिर्फ बोल दिया था। उसने कौन सा मुझे प्रॉपरली इनवाइट किया है, तो देखा मैं पाकिस्तान में हूँ तो बोल दिया।
और अभी दो दिन हुए मुझे बाहर से आए हुए, और मैं पहुंच जाऊं आपके लाडले भतीजे से मिलने। भाई वाह, बचपन में हम तुम्हें शहर तो ले आए बेटे, और तुम बाहर भी चले गए पढ़ाई के लिए, लेकिन सोच आज भी तुम्हारी वही फ्यूडल है। तुम अपने बाप की तरह छोटी छोटी बातों को अना का मसला क्यों बना लेते हो बेटा? अब दोस्तों में ना बुरा मानने वाली बातें तो होती नहीं है, कि उसने देर से क्यों बुलाया, दावत क्यों नहीं दी, ये सब बातें तो नहीं करते दोस्तों के साथ। खैर क्या कह सकती हूँ, और सकलैन, सकलैन तो मेरी बहुत इज्जत करता है मेरे बेटे, और तुम नहीं होते हो ना तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो मेरा बहुत ख्याल करता है। सोचो अकेले में किस तरह गुजारा करती वरना। आपको अना लगती है, मुझे इंसल्ट लगती है, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहाँ तक रही बात आपके अकेले रहने की, चंद महीनों में मैं वापस आ जाऊँगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो फवाद की शादी में तो जाओ ना बेटे, तुम्हारा बचपन का दोस्त है, और फिर देखना तुम्हारी शादी में भी उसने नहीं आना अगर तुम नहीं गए तो। आई डोंट केयर, मेरी शादी में कोई ना आए, मेरी कौन से कल शादी होने वाली है। मेरा बस चले ना तो कल ही कर दूँ तुम्हारी शादी। तुम्हारे सारे दोस्त शादीशुदा हैं, अब सिर्फ तुम ही कमारे रह गए हो। और वैसे मैंने बहुत सी लड़कियां भी देख रखी हैं, और मेरे पास तस्वीरें भी हैं। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, दो दिन हुए कोई बात नहीं होगी इस चीज पे। बात अभी ना सही मगर इन्हीं दिनों में होगी, और मैंने हर हाल में ये काम करना है इस बार तुम्हारे जाने से पहले। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, मेरी स्टडीज का नुकसान हो जाएगा, मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा फोकस डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। I need my attention where I need it to be. शादी भी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है बेटे। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारी मंगनी कर देती हूँ, और जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तुम वापस आना, शादी कर दूंगी। हाँ बाद में बात करेंगे, चले मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए खास नाश्ता बनाया मैंने, चलो बैठो मेरे साथ नाश्ता करो। हाँ चाय पी ली ना मैंने, बहुत अच्छा नाश्ता था, थैंक यू सो मच। भाई जल्दी आना, रात में मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह कुछ भी नहीं सुनता ये लड़का, क्या करूं मैं, इतना सारा नाश्ता बना के बैठ गई। आप लोग हर साल किराया बढ़ा रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब्बा की नौकरी छूट गई थी और वो बीमार भी है। बहुत गहरी सोच में गुम है मैडम, लगता है कोई खास चीज दिखी जा रही है। कहाँ, अभी तो कोई एवरेज आइडिया भी नहीं आ रहा, खास क्या। तो छोड़ दो, मत लिखो, क्या जरूरत है सर कपाने की। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं मैं काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, वैसे भी मुझे ये कंटेंट आज हर हाल में पूरा करना है। मानो तुम काम को ना कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लेती है, कभी तुमने मुझे देखा है इस तरह सर खपाते? हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम ये काम शौकिया करते हो, और मुझे मेरे काम से प्यार है, ये तो तुम जानते हो ना। और फिर अभी दो दिन बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे लिए भी वक्त निकाल लिया करो, मुझे भी तुम्हारे नजर करम की जरूरत है। अच्छा ये बताओ परेशानी क्या है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं, मसला ये है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, और मुझे इसमें बहुत सारे काम करने हैं, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, फिर ये कंटेंट पूरा करना है, और भी हजारों काम होते हैं। तुम समझती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकता? बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि तुम डिस्टर्ब हो। अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुम जानती हो इरम फूफो मुझसे अक्सर कहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। सकलैन भाई हमारा वो जो दूसरा घर है जो किराए पर है, अब्बा ने तो उसका किराया जमाने से फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप उस घर का किराया हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में हम में से किसी को भी बताया नहीं, क्यों?
नाम ले लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस माँ। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह खिड़की से मुंह बाहर निकाल के कह के लगाने की? अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें घर पे बिठा दूंगी, समझ गई? ये क्या बात हुई? मतलब वैन में अंदर मेरा दम घुटता है तो सिर्फ बाहर वाली सीट पे बैठ गई, और मैंने क्या गुनाह कर दिया इसमें ऐसा? तुम्हें क्यों नहीं अकल आती रमशा, क्यों नहीं आती अकल तुम्हें? तुम्हें सकलैन ने देख लिया, अगर दोबारा देखेगा ना तो बहुत गुस्सा करेगा। क्यों करेंगे वो गुस्सा? क्यों गुस्सा करेंगे वो? मैं पूछती हूँ आके वो हमारी जिंदगी में इतनी बेजा मुदाखलत करते क्यों है? क्या अब्बा उन्हें हमारा चौकीदार बनाकर गए थे? वही फजूल और उल्टी बात कर रही हूँ, तुम्हारे बड़े भाइयों जैसा है बेटा, इस घर का ख्याल रखता है, सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई है उसने इस घर की। अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। जब अब्बा इस दुनिया से गए थे तो अल्लाह ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था, और मुझे यकीन है आगे भी वो हमारा हाथ थाम लेता। वैसे भी ये दुनियावी आसरे तो वक्ती हैं। ये तुम आज कह रही हो ना, क्योंकि किसी काबिल हो गई हो पढ़ लिख के तो सब हरा हरा नजर आ रहा है। कितना मुश्किल वक्त था जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, तो सकलैन की दी हुई हिम्मत ना होती ना तो आज बहरहाल माही मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। बेशक तुम दोनों मुझसे ज्यादा पढ़ लिख गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसी बात नहीं है, आपका हुक्म मानने से कौन इनकार कर रहा है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सकलैन भाई को यह हक किसने दिया है कि इस तरह से वो छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाकर हमारे घर का माहौल खराब करें? मैंने दिया है उसे, इस घर का ख्याल रखता है, हमारी फिक्र में घुले जाते, उसकी वजह से हमें घर बैठे दुकानों का घर का किराया मिल जाता है। अगर यही सब कुछ हमें खुद करना पड़ जाए माही तो बताओ हम कैसे करेंगे? एहसान फरामोशी की भी हद होती है। यही सोच लो कम से कम कि तुम्हारी बहन की शादी को 6-7 साल गुजर चुके हैं और उसके अभी तक औलाद नहीं हुई, उसके बावजूद वो तुम्हारी बहन के साथ निभा कर रहा। अच्छा क्या किया तुमने? इतना नमक, खाना जहर बना दिया एकदम। क्या वाकई नमक ज्यादा हो गया है? लेकिन मैंने तो रोज जितना ही डाला है इसमें। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा मैं दोबारा बना रहा। नहीं रहने दो, एहसान करो मुझ पे, कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से जाके खा। नहीं नहीं, बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैंने बोला ना 2 मिनट लगेंगे, अभी बना कर ले आते। तो पहले कुछ कर लेती ना। हाँ वो शायद गलती से नमक ज्यादा हो गया, लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। हाँ रीबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, उस पर तुम भी मेरा एहसास नहीं करती। क्या हुआ, आपको क्या परेशानी है? ऑफिस में सब ठीक है ना? अरे ऑफिस की कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे घर वालों की परेशानी है। मुझे किराया इकट्ठे करो, उनको जमा करवाओ अकाउंट्स में, घर का राशन डालो, और 100 काम है जो मेरे सर पे सवार होते हैं, और उसके बाद मानूर को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाओ। वाह, मैं समझ सकती हूँ, आप हम सबके लिए अपनी हिम्मत से भड़कर करते हैं, सबकी जिम्मेदारी उठा रखी है आपने, अम्मी मानू रमशा, मैं आपकी बहुत एहसान मंद हूँ। तुम जानती हो इरम फूफो मुझसे अक्सर कहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ।
रखना मेरा दिल नहीं मानता। अब अगर हमारी औलाद नहीं है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता। मैं बना लेती हूँ। क्या कर रही हो तुम? नजर यार दुआ कर रही हूँ। शुक्र है सकलैन भाई की वजह से घर में दाल तो बनी, वरना सारी रात भूखा रहना पड़ता। मैंने तो अम्मी से कहा था कि मैं जाकर ग्रोसरी कर लेती, लेकिन अम्मी ने कहा कि सकलैन भाई को बुरा लग सकता है। बुरा? जहर लगेगा जहर। अगर हम एक पाव चीनी भी लेने जाते उससे भी उनको इतने मसले होते हैं। मुझसे ना दाल नहीं खाई जाएगी, मेरे हलक से नहीं उतरेगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, आप खाएंगी? नहीं मुझे नहीं खाना, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। अच्छा पैसे नहीं है, पैसे दे दें। मम्मी से मांगूंगी तो इतनी बातें सुना देंगी मुझे। ठीक, मेरे पर्स से ले लो। ओके थैंक यू। ओहो किसका फोन आ रहा है रात के इस टाइम है? दिखाएं ना। मेरी एक दोस्त का फोन है, क्या हो गया? हाँ हाँ जानती हूँ कौन सी दोस्त का फोन आ रहा है रात के इस टाइम। कौन सी दोस्त का फोन आता है? मुझे ऑर्डर कर लेने दें, बताती हूँ। तुम पागल? ऐसे तो निकालो। तुम सो तो नहीं गई थी? इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है? अभी तो रमशा ने पिज्जा ऑर्डर किया, वो पिज्जा आने में आधा घंटा लगेगा और तब तक मैडम मेरा सर खाएंगे। अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं कि आज ऑफिस में तुम एकदम से इतनी अपसेट क्यों हो गई थी? बस जब इंसान कुछ करना चाहे और ना कर सके तो फिर अपसेट तो होता ही है ना। अरे ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती? मैं तो उस मानूर को जानता हूँ जो जिंदगी को चैलेंज समझ के जीने वाली लड़की है। तुम इतनी बेबस कब से हो गई? हर बात पर हमारा इख्तियार तो नहीं होता ना वैसे। कुछ बातें हमें महज बर्दाश्त करनी पड़ती हैं क्योंकि उनसे हमारे अपनों की खुशियां जुड़ी होती हैं, और फिर अपनों की खुशियों से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती ना। ये भी ठीक है। जानती हो इरम पप्पू मुझसे अक्सर कहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। लाइट ऑफ कर दे, बहुत नींद आ रही है प्लीज। हाँ तोड़ के
वाह क्या बात है, लगता है घर में सकलैन भाई आने वाले ना आज, क्योंकि सारा एहतमाम तो उन्हीं के लिए होता है। भाई जग्गा टैक्स है, अगर इतना एहतमाम नहीं होगा तो उनके हाथों जलील नहीं हो जाएंगे। वो तो वैसे भी लगेगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकल ही आएगा। शर्ट लगा लें मुझसे आप। ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो अपने बहनोई के बारे में, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? रमशा जाओ जाके हाथ बटाओ बहन का, मैं आइंदा ना सुनूं ऐसी कोई बात। जल्दी जल्दी माही खाना तैयार करो, बस अरीबा और सकलैन आते ही होंगे। अरीबा आप ही के आने या ना आने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ये सारी खिदमत ये सारे नखरे तो आप अपने दामाद के उठा रही हैं, जिन्हें आप अपना बेटा मानती हैं। हाँ तो वो है मेरा बेटा, दामाद है वो इस घर का, और दामाद को इज्जत दी जाती है। जी तुम लोग पता नहीं हर वक्त क्या सोचते रहते हो, जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हो। आप कहाँ कुछ बोलने देती हैं सकलैन भाई के आगे, एक उल्टे हाथ का लगाऊंगी ना सारी मस्ती निकल जाएगी। जाओ जाके माही की मदद करो, और हाँ सकलैन के सामने ना कोई फजूल बात मत करना, समझ गई? सकलैन भाई के आगे कोई फजूल बात कर सकता है? करने देते हैं किसी को? चुप हो जाओ। आप रहने दें, मैं अंदर से मेट को भेजती हूँ, वो आकर सारे गिफ्ट्स ले जाएगी। कोई बात नहीं, छोटे से गिफ्ट्स ही हैं, कौन सा भारी सामान। ये सारे गिफ्ट्स रमशा और मानोर के हैं, पहले ही आपने मार्केट में इतना टाइम बर्बाद करके ये सब खरीदे हैं, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूसरों का सामान उठाएं। भेज रही हूँ, आप आ जाए। अम्मी मानूर, अरे अरीबा तुम आ गई। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस अम्मी टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए रमशा और मानूर कहाँ हैं? वो अंदर हैं, खाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि आज आपने फिर से इतना तकल्लुफ कर दिया। कैसे हो तुम? जीते रहो बेटा। आपसे कितनी दफा कहा है इतना तकल्लुफ मत किया कीजिए, मुझे शर्मिंदगी होती है। इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है बेटा, तुम लोगों के लिए नहीं खाना बनाऊंगी तो किसके लिए बनवाऊंगी? मैं भी तो अम्मी से रोज यही कहती हूँ कि हमें इतना तकल्लुफ क्यों देती हैं? अब सकलैन भाई कोई पराया ना है, ये तो हमारे घर के अपने हैं और रोज आ जाते हैं हमसे जहमत करवाने के लिए। मानू ठीक कह रही है खाला, मुझे आपको जहमत देना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये तय पाया कि आज के बाद हम जब भी इस घर में आएंगे इस घर में जो कुछ भी पका होगा हम मिलकर खाएंगे। तो ठीक है फिर अपनी इस एक बात पे ना आपने कायम रहना है। अगर हमारे घर में कभी भी दाल चावल बने तो आपको खाने पड़ेंगे, अपनी बात से मुकरिएगा नहीं। चुप रहो तुम, वो मेरे बेटे को सब मिलके तंग कर रही हो। चलो आप सकलैन बेटा अंदर बैठते। अरे खाला कोई बात नहीं, करने दीजिए, अब ये मुझसे मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी, वैसे भी आप जानती हैं उसका मेरा तो रिश्ता ही छेड़छाड़ कर। हाँ याद आया, ये आपकी मेडिसिन में ले गया है, आपकी मेडिसिन शॉर्ट है, काफी फार्मेसिस्ट में पता किया है। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं मेरी और अरीबा की तरफ से रमशा और मानूर के। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम इन दोनों के लिए इतना कुछ करते हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये इस काबिल बनी है। मैं कैसी बातें कर रही हूँ, ये तो बहुत गलत बात है, आप हमारी मेहनत का क्रेडिट भी सकलैन भाई को क्यों दे रही हैं? ये तो हमारी सिर्फ फाइनेंशियल मामलात में हेल्प करते हैं, बाकी सारी मेहनत तो हमारी होती है। तो बाकी सब खुद बखुद हो जाता है, तुम दोनों तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो, अम्मी कहीं जा नहीं सकती, तो वो सकलैन ही है जो अपना वक्त और एनर्जी तुम दोनों पे वेस्ट करते हैं। छोड़ो इन फजूल बातों को, ये तो ऐसे ही करती रहती हैं, तुम गुस्सा नहीं होना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, ये फजूल बातें छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं।
सकलैंड भाई, हमारा वो जो दूसरा घर है जो किराए पर है, अब्बा ने तो उसका किराया जमाने से फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आप उस घर का किराया हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपने इस बारे में हम में से किसी को भी बताया नहीं, क्यों? माही, किराया बढ़ रहा है इस घर का, मगर उतना नहीं है जितना प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, और ये बात मैंने खाला से शेयर भी की थी, शायद आपको याद हो। हाँ, वो बस मुझे बातें कहाँ याद रहती हैं। आपको याद ना सही, मगर मुझे अच्छे से याद है। सालाना प्रॉपर्टी का टैक्स उन्हीं पैसों से जाता है, मेंटेनेंस है और 100 अखराजात है, और अगर तुम्हें डाउट है तो मैं हिसाब किताब लिख के तुम्हें दे सकता हूँ। आप क्यों हिसाब देंगे? इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे हिसाब मांगे। हरीबा, अगर मानू शिकायत कर रही है, इसका मतलब यही है कि उसको हिसाब चाहिए। खाला, मैं बेईमान नहीं हूं, और ना ही मैंने आप लोगों की मदद किसी लालच में आकर दी। आप लोगों की मजबूरी को देखकर मैंने सोचा कि अपनों के साथ नेकी करना बेहतर होगा, मगर मुझे लगता है कि आप लोगों की मजबूरी खत्म हो चुकी है और मेरी जरूरत है, इसलिए आज के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ पाऊंगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मानूर माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती है। नहीं सकलैन बेटा, ये मैनेज नहीं कर सकती है। वो मेरा मसला नहीं है खाना, जब चलना चाहिए। अरे बेटा खाना, उसकी जरूरत नहीं है खाना। आज मानूर की बातों से मेरा पेट भरा। तुम चल रही हो, तुमने रुकना है? नहीं, मैं आपके साथ ही। मेरे ख्याल से रुक जाओ कुछ दिन, बहुत प्यार से खाना बनाया है, जाया हो जाएगा। सकलैंड, सकलैंड बेटा बात सुनो। आप ही